कोरो आश्वासन नहीं जब तक हमें कानूनी रूप से कागज़ पर लिख कर व्यवस्थित हमें ये बता नहीं देते कि हमारे लिए सरकार प्रयास करने जा रही है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है चाहे पानी बरसे ओला गिरे कुछ भी हो हमारी जान तक चली जाए क्योंकि हम आज ही जा चुके हैं जून को हम लोग को वापस घर भेज दिया गया ट्रेनिंग पूरी होने के बाद और तब से हम लोग घर पर बैठ के बस इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको वापस बुलाया जाएगा कब हमको नियुक्ति दी जाएगी कब हम इस आधार में जो हमारी लड़ियाँ लटकी है आर होंगे या पार होंगे पता नहीं है हमको जी भैया क्या नाम है आपका जी पार्थ तिवारी अच्छा तो पार्थ आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं मुझे लगता है कि कितने पाँच पाँच छह दिनों आज हमारा सातवां दिन है धरने का जी जी ठीक है ठीक है क्या मुख्य मांग है आपकी बताइए हमारी मुख्य और एकमात्र मांग है राज्य सरकार से की में जो हमारा आदेश अभी तक लंबित है आदेश सुरक्षित किया गया था पांच फरवरी को नियमतः तीन माह तक अधिकतम समय में आ जाना चाहिए उसके बाद भी अभी पाँच सितंबर को हमारे सात महीने पूरे हो रहे हैं तो राज्य सरकार से कौल इतनी मांग है हमारी कि उसके लिए पैरवी करें एक मैंसनिंग करते, जिसके माध्यम से हमारा आदेश पारित हो जाए और हम चयनित हैं हमें नियुक्ति प्राप्त करनी थानों पे जाना है घर पे बेरोजगार बैठे रहना है कम से कम पता चल जाए अभी आपको क्लियर नहीं बिल्कुल है? नहीं प्रशिक्षण से चौदह माह तक हम घर बैठे हुए हैं अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा, बेरे आप लोग का रिटर्न वो हो गया सब फिजिकल भी हो गया प्रशिक्षण भी हो गया हमने बिल्कुल हमने ट्रेनिंग प्राप्त करी है चार सेंटरों में उत्तर प्रदेश में कहा ट्रेनिंग मुरादाबाद उन्नाव सीतापुर मेरठ अच्छा चारों जगह आपकी ट्रेनिंग हो गई बिल्कुल बिल्कुल चारों जगह ट्रेनिंग एक साथ हुई थी ट्रेनिंग हाँ। संपन्न हो गई है हमारी हाँ हाँ। जी हाँ दो हजार बीस में जून के महीने में अच्छा क्या नाम है भैया आपका सर वैभव शुक्ला तो वैभव जी आप भी बताइए आपने क्या ट्रेनिंग कहाँ कहाँ करी क्या किया जी मैं पीटीसी मुरादाबाद से ट्रेनिंग किया हूँ एस के लिए और सिविल पुलिस हाँ आ, सिविल, सिविल पुलिस के अच्छा। लिए हाँ जैसे पी होता है और फा, फायर डिपार्टमेंट अच्छा। भी होता है और अच्छा। सिविल पुलिस होता है तो तीनों में भी एस होते हैं अच्छा। तो हम लोग एस आई से हैं अच्छा। तो हम लोग की ट्रेनिंग मुरादाबाद में हुई थी अच्छा। और uh, 28 जून को हम लोग को वापस घर भेज दिया गया ट्रेनिंग पूरी होने के बाद और तब से हम लोग घर पर बैठ के बस इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको वापस बुलाया जाएगा कब हमको नियुक्ति दी जाएगी और फरवरी महीने के किसी तारीख को हम लोग का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में सर यू यू ललितर की बेंच में था जो कि तब से सुरक्षित है और तब से हम सभी घर बैठ के ये इंतजार कर रहे हैं कि वो कब फैसला आएगा और कब हम इस अधर में जो हमारी नैया लटकी है आर होंगे या पार होंगे पता नहीं है हमको किस तरफ आए हम लोग तो, तो ये बताइए ये जो आप लोग बार, बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार जो है अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को कह के फैसला ला सकती है तो ये क्या थोड़ा सा लीगल पक्ष हमें बताएं क्या देखिए हमारी तरफ से जितने लीगल एफर्ट्स हो सकते थे हमने कोशिश की पच्चीस जुलाई को लास्टली हमने सेकंड टाइम मेंशनिंग मैं उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से उसको खारिज कर दिया जाता है चूंकि सत्ता पक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट में जाता है हमारे डिसीजन को लेकर चूंकि भर्ती जो है वो सरकारें करती है भर्ती नियामक प्रकरण जितने भी प्राधिकरण है वो सरकार के अंतर्गत हैं तो अगर सरकार हमारी मजबूरियों को दिखाते हुए कि प्रशिक्षण के उपरांत भी बच्चे चौदह महीने से बेरोजगार बैठे हैं उनका आर्थिक उपार्जन नहीं है घर में कोई बीमार है तो हम उनको कोई मेडिकल क्लेम या मेडिकल हेल्प नहीं दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते क्योंकि अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है तो सरकार इन सारी मजबूरियों को दिखाते हुए और सरकारी जो विशेष वकील है उनके माध्यम से यदि करती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना सकारात्मक रूप अख्तियार करते हुए हमारा जो भी आदेश है उसे पारित कर सकता है अच्छा जी अच्छा भैया ये बताइए पिछली बार आप लोग वहाँ शायद पच्चीस अगस्त को भर्ती बोर्ड में भी गए थे क्या हुआ था उस दिन आप लोगों ने जब वहाँ पे क्या हुआ थोड़ा बताइए देखिए सर वहाँ से हम लोग को कुछ बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जाता है बस जब भी क्या नाम है हम लोग मैंसनिंग करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ से भी बस यही मिलता है कि बस अगले दो हफ्ते में आपका ऑर्डर आ जाएगा फिर अगले दो हफ्ते में ऐसे दो हफ्ते करते करते सात महीने हो गए हैं तब से और तब से हम लोग बस इसी आशा में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्याय की प्रतिमूर्ति होती है और पूरे भारत को पूरे देश को उस पर विश्वास होता है हम लोगों ने भी उस पर विश्वास किया और सात महीने से बैठे हैं घर पर लेकिन उसका कुछ प्रतिफल हमको मिल नहीं रहा है अच्छा अच्छा तो ये आप लोगों ने ये कब डिसाइड किया कि अब चलो धरना करना चाहिए अब हमारी बात ऐसे नहीं सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट भी हो गया और सरकार से भी हमने मिल लिया पिछली बार हमने बात करी थी तो आपके साथी ये भी कह रहे थे कि हमने सबसे मिल लिया मुख्यमंत्री से भी मिल लिया तो धरना करने का डिसीजन आप लोगों ने कब लिया देखिए सर हम हम लोगों ने हमारे एक अलायंस ने मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बार मुलाकात करी उसके बाद भी केवल और केवल हमें बयान मिले आश्वासन मिला और वो आश्वासन कोरा रहा मरता क्या न करता की स्थिति में आने के बाद हमारे पास किसी से मिलने का चारा नहीं बचा जब हम माननीय स्वतंत्र देव जी बीजेपी अध्यक्ष चूँकि सत्ता दल के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी भर्ती बोर्ड के डीजी साहब पुलिस पुलिस के मुखिया जो डीजीपी महोदय हैं उनसे और अन्य सभी विशेष अधिकारी और विशेष पार्टी पदाधिकारियों से हमने मुलाकात की उसके बाद केवल और केवल कोरा आश्वासन हमें मिला इसके बाद हम मजबूरन जो है आज धरने पर बैठे हैं और हम ये कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें सकारात्मक और सटीक आश्वासन नहीं मिल जाता है केवल कोरा आश्वासन नहीं जब तक हमें कानूनी रूप से कागज़ पर लिखकर व्यवस्थित हमें ये बता नहीं देते कि हमारे लिए सरकार प्रयास करने जा रही है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं चाहे पानी बरसे ओला गिरे कुछ भी हो हमारी जान तक चली जाए क्योंकि हम आज ही जा चुके हैं हमारे पास कोई चारा नहीं है